चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार प्रभास और राणा दुंती की फिल्म बाहुबली ने अपने रिलीज के बाद एक बार फिर से इतिहास रच दिया। पिछले कुछ दिनों से कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 दिन तक राज नहीं कर पाई, लेकिन इस बार एसएस रामामौली की फिल्म ने 100 दिन पूरे कर एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाबी हासिल कर लिया है। इतना ही नहीं, बॉक्स ऑफिस सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट, अर्जुन कपूर की मुबारक और शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल होने के बाद भी अब भी प्रभास की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। न जाने कई फिल्में आई और गई, लेकिन प्रभास की बाहुबली में वो आग थी जिसे देखने के लिए लोग आज भी फिल्म की टिकट को बुक कराते हुए दिख रहे हैं। प्रभास की फिल्म ना जाने कितने फिल्म रिलीज के बाद अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। फिल्म ने पूरे वर्ल्ड वाइड 1000 रुपए का कारोबार किया है। साथ ही साथ फिल्म आमिर खान की दंगल के बाद चाइना में भी रिलीज हुई। इस फिल्म को देखने के लिए अब भी लोग थिएटर के बाहर दिख रहे हैं। बाहुबली के बाद प्रभास तो जैसे रातों रात स्टार हो गए। साउथ इंडस्ट्री क्या बॉलीवुड फिल्मों में भी अब प्रभास को लेकर चर्चाएं जोर शोर से गर्म है। अनुष्का शेट्टी और प्रभास की जोड़ी एक बार फिर से देखने के लिए दर्शक उतावले हो रहे हैं। इतना ही नहीं, इस फिल्म की सफलता के बाद बॉलीवुड के खांस भी डरे हुए हैं। इतना ही नहीं, यह कहा जा रहा है कि आप प्रभास बॉलीवुड का रुख किसी भी समय कर सकते हैं। उन्होंने इन दिनों ऑफर में कोई कमी नहीं आ रही है।